टुकजर के डोंगल की अनबॉक्सिंग करो, टुकजर डोंगल, टुकजर वाईफाई डोंगल, सारा दिन ऐसे कमेंट में कर रहे थे लोग। और नया भी लॉन्च हुआ था ये, मैंने सोचा आपके सामने लॉन्च करने के बाद फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर दी जाए और दिखा दिया जाए। अब देखिए अनबॉक्सिंग काफ़ी दिन बाद कर रहा हूँ, वैसे इसकी सील वगैरह ब्रेक कर दी क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था काफ़ी दिन से। मैं सोच रहा था थोड़ा सा इसको एक बार आपसे दिखाया जाए कि कैसा है ये, लेकिन इसकी पहले ही हमने अनबॉक्सिंग कर ली थी तो वो जब वो आप, चलो मैं बताता हूँ साथ में और फिर ही देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए इसके टुकजर के जो देख सकते हैं, ये एक नई चाइनीज़ कंपनी है टुकजर, वैसे तो पुरानी है काफ़ी लेकिन ये इंडिया में लॉन्च नया हुआ है टुकजर का। ये है 4G VoLTE वाईफाई हॉटस्पॉट, इसका USB वाला भी आता है लेकिन ये वाला मज़ा है इसके अंदर, बैटरी डाल दो रख दो कहीं पर, कितनी डिवाइसेस कनेक्ट करो, कोई लैपटॉप चलाना, कोई कंप्यूटर चलाना, कोई झंझट नहीं, सीधा फ़ोन में कनेक्ट करो। तो अभी देखिए सामने ये देख सकते हैं, ये टुकजर का है। और इसके अगर साइड में हम लोग जब आपको इसके फीचर्स के बारे में बताना चाहें तो दिखाया गया 2100 mAh की बैटरी है, हाई स्पीड इंटरनेट। देखिए इंटरनेट स्पीड जो वो डिपेंड करती है आपके एरिया में सिम कार्ड का नेटवर्क कैसा है, वाईफाई इंटरनेट आपको मिलेगा, सपोर्ट्स 10 डिवाइसेस को एक साथ जो वो कनेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर WLAN के जरिए, कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्शन है, USB के जरिए डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको, और लाइट वेट एंड पोर्टेबल, हल्का सा तो है ये, तो हमें सबको ही पता है इस तरह के डोंगल सारे इस तरह के ही आते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखना चाहें बॉक्स पे तो टुकजर की जब वो आपको वेबसाइट वगैरह की डिटेल दी गई है और बाकी क्या क्या गया है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ इंस्टफ 365 और यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ लिखा गया है कि क्या क्या, बाकी टुकजर के बहुत सारे आपको सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए गए हैं यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं आप। ये आइडिया सीडिंग ऑफ हॉलीवुड कैलिफोर्निया, तो जो आइडिया है वो हॉलीवुड कैलिफोर्निया में जब वो इसका आया बता रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है अगर कैलिफोर्निया का है ये। लेकिन ये प्रोडक्ट जो वो प्योरली मेड इन चाइना है आपको मैं बता दूं। इसके पीछे की तरफ फीचर्स की बात करें तो आपको प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस दिखाई गई है, आपको दिखाया गया है कि कनेक्ट टेबलेट्स, स्मार्टफोन्स और ये सब तो आपको पता है वाईफाई के जरिए किसी भी प्रोडक्ट से आप जोड़ सकते हैं, स्मार्ट बल्ब वगैरह कुछ भी है तो उससे भी आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 2100 mAh की बैटरी पहले ही बात कर चुके हैं। नेटवर्क टाइप जब वो आपको दिखाया गया यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी बताई गई है इसकी क्या क्या फ्रिक्वेंसी है, स्कॉप जो वो इसका दिया गया है, डेटा रेटेड दिया गया है 150 mbps तक जा सकता है, अनलिमिटेड जब वो आपका पैक होना चाहिए उसके साथ में, और 50 mbps इसका जो वो डिवाइडेशन करके कुछ बनाते हैं ये लोग, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड और सारी नेटवर्क को मर्ज करके। और यहाँ पर जब वो आप देख सकते हैं वाईफाई जब वो सपोर्ट करता है 2.4G वाला और आपको सपोर्ट कर सकता है, यानी 10 आप डिवाइसेस के साथ एक टाइम में जोड़ सकते हैं। वैसे जितनी डिवाइसेस जोड़ते जाएंगे बैटरी उतना कम चलेगी, इंटरनेट स्पीड उतना कम होगा, तो ध्यान रखिएगा। 6 मंथ की आपको वारंटी मिल जाती है इसके साथ में, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं सपोर्ट विंडोज़ वगैरह के साथ में। नीचे की तरफ टुकजर का एक स्टिकर लगाया गया है जो कि इंडिया के लिए स्पेशली है, क्योंकि वहाँ पर जब वो एक खाली बॉक्स बना होता है वहाँ पर जिस भी कंट्री में भेज रहे हैं उसका स्टिकर डाल देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग IP वगैरह से एक्सेस करते हैं। देखिए इंपोर्टेड बाय दिखाया गया है कौन सी कंपनी ने, अब भिवंडी में, थाने में, मुंबई में, यहाँ पर कई जगह पर जो इसका बताया गया है डिटेल्स, इसका एड्रेस दिया गया है नीचे, टुकजर वायरलेस और क्वांटिटी बाकी चीज़ें दी गई है, हांगकांग से बना हुआ है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन हांगकांग, और इम्पोर्ट अगस्त 2021, सितंबर चल रहा है हमारे भाई, अभी लॉन्च हुआ है जस्ट। इसका MRP 5999 दिया गया, लेकिन ये काफ़ी सस्ता मिलता है, कहाँ पर और कैसे मिलता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, लेकिन कितने का मिलता है लास्ट में बताएंगे भाई ना, अभी नहीं बताने वाले। तो फटाफट इस पैकेज को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इस पैकेज के अंदर आखिर क्या क्या है। अनबॉक्सिंग टाइम। ओके और कुछ भी नहीं है, बैटरी, चार्जिंग केबल, माइक्रो USB 2 USB, यूजर गाइड, टुकजर वाईफाई डोंगल, 4G LTE मोबाइल वाईफाई, यूजर मैनुअल,
और कुछ नहीं बचा, सिर्फ डिवाइस बची है। साइज तीन इंडिकेटर दिए हुए हैं इसके ऊपर, एक टक टक करने वाला बटन दिया गया है, टूजर की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पर। चार्जिंग पोर्ट, डिटेल्स, खोलने के लिए यहाँ पर एक कट दिया गया है। खोल रहा हूँ मैं डोंगल को, यहाँ पर आपको आईपी वगैरह पासवर्ड क्या होगा इसका, पहली वाईफाई का और बाकी सब चीज़ें दी गई है। लेकिन इसमें सबसे मोटी बात देखने को मिली, एक सिम कार्ड स्लॉट के सिवा इसके अंदर जब वो एसडी कार्ड स्लॉट वगैरह नहीं है। लेकिन रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसके ज़रिए आप उसको टिक करके जब वो रीसेट कर सकते हैं। जब बैटरी डली हुई होनी चाहिए, डिवाइस ऑन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं इसमें भी। देखिए एसडी कार्ड का ऑप्शन तो नहीं दिया गया इसमें, लेकिन कौन यूज़ करता है इन डिवाइसेस के अंदर एसडी कार्ड, मेरे को कमेंट करके बताना ज़रूर। मुझे तो नहीं लगता कि एसडी कार्ड इस तरह की डिवाइसेस में कोई यूज़ करता होगा। तो फटाफट इसमें सिम कार्ड डालते हैं, बैटरी लगाते हैं और ऑन करते हैं इस डिवाइस को, और देखते हैं कैसा मज़ा आता है, क्या कुछ खास मज़ा आता है कि नहीं इस डिवाइस के साथ। तो फटाफट मैं तो लगाने वाला हूँ इसके अंदर सिम कार्ड, लगा देता हूँ सबसे पहले। वैसे मैंने पहले ही लगा दिया, मजाक कर रहा था। बैटरी लगा रहा हूँ अभी, करते हैं ऑन। टुकजर टुकजर टुकजर, ओ आरजीबी एलईडी, कलरफुल एलईडी इंडिकेटर्स हैं यार इसके, तो आरजीबी एलईडी इंडिकेटर्स। टेस्ट करता हूँ मैं अपने फ़ोन में कि इसकी वाईफाई आ रही है कि नहीं, और हम लोग जो वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। वैसे देखिए इंटरनेट की स्पीड में चेक करने वाला हूँ, वो डिपेंड करती है हमारे एरिया में नेटवर्क कैसा है। देखिए मेरे को पता है उस सिम कार्ड का 10-12 MB तक ही जो वो स्पीड आती है, अगर उससे कम आए या उससे ज़्यादा कम आए तो गड़बड़ है, वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस डिवाइस में। भाई मेरे बात कर ली इसकी अच्छाइयों के बारे में कि अच्छा इंटरनेट चल रहा है, मैंने स्पीड चेक की, अच्छी खासी आई है। अब बात इसकी कुछ प्रॉब्लम्स की करते हैं। प्रॉब्लम्स की ये है कि चार्ज होते भी उतना ही टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है ये, लेकिन वर्क करता है, अच्छा करता है, बैटरी में काफ़ी अच्छा रहा है इसका। अब बात रहती है इसकी कि यूज़र इंटरफेस इसका जो है वो डिवाइस का, जैसे आईपी एड्रेस पे जाते हैं हम लोग 192.168.43.1, और वहाँ पर जब वो आपको इतना प्रॉब्लमेटिक लगेगा, आप वाईफाई पासवर्ड, वैसे पता है हम लोग हर रोज़ कोई चेंज नहीं करते, अगर हर रोज़ आप चेंज करते हैं मेरे भाई मत लेना ये प्रोडक्ट, लेकिन कभी कभार महीने दो महीने पाँच महीने छः महीने से कभी तो चेंज करना पड़ता है ना, तो उस टाइम के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, इतना आसानी से नहीं करने देता सब कुछ। ऑप्शन पे आप क्लिक करते रहते हैं, करता नहीं है काम। मैंने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सब पे जगह पे करके देखा, वर्क नहीं किया इसने अच्छे से, ये प्रॉब्लम है इसकी। दूसरा, इसका जो बैटरी इंडिकेटर है वो बताता है आपको आज अगर इसकी बैटरी फुल है, 70% से ऊपर है तो आपको ये ग्रीन लाइट दिखाएगा, 70 से 30 के बीच में तो येलो लाइट दिखाएगा, और अगर बैटरी 30 से नीचे आ जाती है तो रेड लाइट दिखाएगा। यही इसका जो वो एक ऑप्शन है, बैटरी का कुछ अच्छे से पता नहीं चलता है। एसडी कार्ड इसके अंदर लगता नहीं है, WPS इसका बटन है नहीं, ताकि अगर बिना पासवर्ड के आप कभी किसी दोस्त को के जो वो कनेक्ट कराना चाहे तो करवा सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। वैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है, इंटरनेट वर्क अच्छे से करेगा, आपको ज़्यादा पंगे लेने नहीं होते, सिम डाल दिया आपने तो वेल एंड गुड, अच्छे से वर्क करेगा। तो जनाब अच्छा लगा मेरे को ये डोंगल, और मैं वैसे बताऊँ आपको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ इसको, 4-5 घंटे अच्छे से चल जाता है ये, वैसे तो कई बार लंबा टाइम भी निकाल जाता है, और ये अगर फुल चार्ज किया आपको तो 2-3 दिन तक अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, मतलब पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी यूज़ करेंगे बटन दबाएंगे ये महाराज रेडी हो जाते हैं, और आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आप इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, बाकी इसका पासवर्ड सेट कैसे करना है, बाकी चीज़ें सब मैं जो वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से आसानी से। और इसको मैंने परचेज़ किया है सिर्फ 2700-2800 रुपये की रेंज में, परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट वर्थ है। सारी सिम कार्ड इसके अंदर चलती है, और इसके अंदर अभी तक इसके ऊपर WPS का कोई बटन मेरे को मिला नहीं, तो आप WPS का शायद यूज़ नहीं कर सकते, SD कार्ड इसके अंदर नहीं है। अगर
आपको वीडियो और ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि हम लोग आपके लिए परचेज करके ऐसी अनबॉक्सिंग करते रहें। आप सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखो, हमें तभी बेनिफिट होता है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है मेरे भाई, मेरा पैसा लगता जाता है इन चीज़ों को परचेज करने में।